नमस्कार, जय जगन्नाथ। तो जेमती कि आपण माने जानिछंती, किछि पिलांकर किछि सिलेक्टेड पिलांकु आमे कोन करथुलु ना सीएम रो इंटरमीडिएट कोर्स पढ़ौथुलु। तो जहाँ भी हो सेमानकर किछि पेपर नंबर 11 ग्रुप 2 इंटरमीडिएट ग्रुप 2 पेपर नंबर 11 इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड लॉज रो किसी पोर्सन बाकी रही जाइला जहाँ को आम कम्प्लीट करने अच्छी लॉकडाउन समय रे मोर प्रयास जमीक आम आगु प्लस थ्री पिलांकर बाकी जीएसटी पोर्सन थी आम से पाखे पहुँचे चेष्टा करपर हिसाब से आम कस्टम जहाँकि सी एम ए इंटरमीडिएट पिला इंटरमीडिएट पिलांकर पार्ट ऑफ सिलेबस आम ट्राए करके पहुँचापी। तो जहाँ भी हो पखापाखी ऑडियो प्रॉब्लम आम सब सॉल्व कर देचु आउ जहाँ भी जोटी टिके अच्छी तो टिके मैनेज कले मुझे भावुची हो पार जहाँ कि मैनेजेबुल एमती नुहजे आमको किसी शुभुनी। तो यही कस्टम पर्सन को आम 5 बा 6 चैप्टर रे बा पोर्सन रे डिवाइड करके आम या कम्प्लीट करवा। तो मुझे ट्राए करथाशीघ्र आपन को ये क्लासेस गुड़ा पहुँचापी आपणकर प्रिपेरेसन आगक निहतु आमर जहाँ भी मिशन एंड विजन अच्छी जिते जल्दी आम कौन करवा ना आम प्रिपेरेसन को मजबूत करवा एवं कमिंग अटेम्प्ट रे आम आम विजन बा मिशन को कौन करवा ना अचीव करवा। ओके, तो आज स्टार्ट करवा कौन ना कस्टम, राइट? तो कस्टम आज आम स्टार्ट करवा। ओके, तो प्रथम आम क्वेश्चन आसूची जे कस्टम रो माने कौन। कस्टम कहले आम कौन बुझुचे ध्यान दि कस्टम मीन्स जदि आम कह लिटरली मीन्स ट्राडिशन ट्राडिशन बा जहाँ को कह जाए रीति बा रिवाज रीति बा रिवाज। ट्राडिशन कहले कौन ना जदि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जदि कौनसी एक पर्टिकुलर तथ्य को कंटिन्यूअसली कौन करा जाए ऑब्जर्व करा जाए सेटा कौन हुए धीरे 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 सेटा ट्राडिशन रूप से कौन हो जाए ना परिणत हो जाए। जमीती कि कौन होता जदि कौनसी बिजनेसमैन जदि कौनसी बिजनेसमैन कौन गोटे स्टेट बा कौन गोटे नेशन को तार प्रोडक्ट को कौन करने को जाऊला ना बिकवाक जाऊला मार्केटिंग करने को जाऊला बिजनेस करने को जाऊला से कौन करे बिफोर डूइंग बिजनेस सी कौन करे हेड ऑफ द स्टेट बा हेड ऑफ द नेशन को गोटे गिफ्ट दौला सी जहाँ भी प्रोडक्ट से बिजनेस करने को जाए प्रोडक्टर कौन दौला गिफ्ट दौला। ओके, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे से स्टेट बा से नेशन रो कौन कले जी रूलर थिले बा जी किंग थिले से माने कौन कले से माने कहले आम बिजनेसमैन को हिसाब से कौन नबुनु ना गिफ्ट नबु ना जदि कहीं कौन करूछंती नुआ नुआ बिजनेसमैन आम देश को बा आम राज्य को वाणिज्य उद्देश्य रे आसुछंती बा बिजनेस उद्देश्य रे आसुछंती तो आम कौन करवा ना आमर जहाँ रूल रहा ल रहा प्रिंसिपल रमें से ही हिसाब से ठार कौन कलेक्शन करवा टैक्स कलेक्शन करवा ड्यूटी कलेक्शन करवा जोटा कि धीरे 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 कौन हो गला ना कस्टम आक्ट रे कौन हो गला ना परिणत हो गला दैट इज योर कस्टम आक्ट 1962 राइट कस्टम आक्ट 1962 ओके ओके तो जो थी कौन है ना कस्टम कस्टम कौन है कस्टम कौन है ना कम इनटू एक्जिस्टेंस कस्टम रो तो माने एबे आम बुझे पारे जोटा कहे ट्राडिशन बा जोटा को आम कौन कहे रीति बा रिवाज राइट। तो आम 1962 कस्टम आक्ट अनुसार आमर कौन कर ना ये ट्राडिशन टा को गोटे रूल भाव में गोटे आक्ट भाव में कौन कर लागू कर होल ऑफ द इंडिया रे। तो आम प्रथम बुझाक पड़ो आम सेक्शन 29 रु स्टार्ट करवा तो सेक्शन 29 रु स्टार्ट करवा तो स्टार्ट करने पूर्व तो किसी क्वेश्चन आसूब जे आम सेक्शन 1 आम गोटे प्रोसेस जामती कौन कर कंप्लीट कस्टम आक्ट
ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆସିବ ବା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଆମେ ସେଇ ପ୍ରୋସିଡ଼ିଓରେ ଯିବା ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ଯଦି ଆମ ହିସାବରେ କଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହୁଏ, ଆମେ ଆମ ହିସାବରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଧୀରେ 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 ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି କଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟ କାହା ଉପରେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ, ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଉପରେ, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରାଇଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଅର୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା କଷ୍ଟମ ଆକ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ହେବ। ତ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ଼ର ମାନେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରାଇଟ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମିନ୍ସ ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଦ ଗୁଡ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାର କୌଣସି ଏକ ଦେଶରୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରାଇଟ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ମାନେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କୌଣସି ଗୁଡ୍ସକୁ କ'ଣ କରୁଛେ, ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାରକୁ ନେଇଯାଉଛେ, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବୋଲି କହିବା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବୋଲି କହିବା ରାଇଟ। ଓକେ, ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟର ମାନେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ, ଇଏ ଯଦି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ହୁଏ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ କୌଣସି ଗୁଡ୍ସ ଆମକୁ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଗୁଡ୍ସ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣୁଛେ, ବ୍ରିଙ୍ଗିଂ ଦ ଗୁଡ୍ସ ଇନ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଟର୍ମକୁ କ'ଣ କହିବା, ତାହେଲେ ସେ ଟର୍ମକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା କଷ୍ଟମ୍ ବୋଲି କହିବା ରାଇଟ। ଆଚ୍ଛା, ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବ, ଏଇଟା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିପାରିବ, ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଯାହା ବି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଜଳ, ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ତିନିଟା ମାଧ୍ୟମରେ, କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଗୁଡ୍ସ ଅଣାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଜଳ ମିନ୍ସ ଭେସେଲ, ସ୍ଥଳ ମିନ୍ସ ବାଇ ରୋଡ୍, ବାଇ ଭେସେଲ ଅର୍ ବାଇ ରୋଡ୍, ବାୟୁ ମିନ୍ସ ବାଇ ଏୟାର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଏଇ ତିନିଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାରୁ ଗୁଡ୍ସ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଣିପାରିବା ରାଇଟ। ରାଇଟ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ନଥିବ ରାଇଟ। ଓକେ, ତ ସେକ୍ସନ୍ 29 କହୁଛି ଆରାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଭେସେଲ ଆଣ୍ଡ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆରାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଭେସେଲ ଆଣ୍ଡ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମର ଭେସେଲ ବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରାଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭେସେଲ ବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କେଉଁଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେବ, ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ, ସେ ଭେସେଲ ବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରୁ ଗୁଡ୍ସ କେମିତି ଅନଲୋଡ଼ ହେବ, କାହା କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ରହିବ, କେମିତି ଲୋକମାନେ ସେଠୁ ଗୁଡ୍ସ ନିଜ କଷ୍ଟଡ଼ିକି ନେବେ, ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ଏଟ୍ସେଟ୍ରା ରାଇଟ। ତ ସେକ୍ସନ୍ 29 କହୁଛି ଆରାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଭେସେଲ ଆଣ୍ଡ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆସି କିଛି କ'ଣ ହେଉଛି, ଭେସେଲ ବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଦ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ତ ଏବେ ଖାଲି ମାନିକି ଚାଲ, ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜର ମାନେ ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବୁଝିବା, ଯାହାକି ଏ ଚାପ୍ଟରର ଏଣ୍ଡରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା କିଛି ଡେଫିନେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଏ ପୋର୍ସନ୍ରେ ଯାହା ପଢ଼ିବା ତାର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଫିନେସନ୍ ଲାଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବା। ପ୍ରଥମେ କହୁଛି ଦ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ, ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ସେ ଭେସେଲ ବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି କହୁଛେ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଚାର୍ଜ ବା PIC। ଅଫ୍ ଭେସେଲ ଅର୍ ଆନ୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଏଣ୍ଟରିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ପ୍ଲେସ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଏଣ୍ଟର କରୁଛି, ଶାଲ୍ ନଟ୍ କଜ୍ ଅର୍ ପରମିଟ୍ ଦ ଭେସେଲ ଅର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟୁ କଲ୍ ଅର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏହାର ଅର୍ଥ
से पर्सन इन चार्ज कौन करिवनी से भेसिल बा एयरक्राफ्ट कॉल बा लैंड करिवा को देबो नाही फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अराइवल इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर अराइवल इन इंडिया और एट एनी टाइम व्हाइल इट इज कैरिंग द पैसेंजर और कार्गो ब्रॉड इन द वेसल और एयरक्राफ्ट एट एनी प्लेस अदर देन कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट एज द केस मे बी अनलेस परमिटेड बाय बोर्ड राइट तो एठी आम प्रथम कौन करवा ना ना कौन करवा पी आई सी रे बुझा तो कस्टम पोर्ट बा कस्टम एयरपोर्ट रे बुझा तो बोर्ड कहले बोर्ड रे बुझा तो मुझे प्रथम आपको कह बोर्ड रे सी बी आई सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम राइट जे पर्यंत सी बी आई सी परमिट करनी राइट बादी आम अदर चेन्स कह सी बी आई सी जो कस्टम पोर्ट बा जो कस्टम एयरपोर्ट रे परमिट करा जाए केवल से प्लेस रे कौन करा जाए पारे ना से एयरक्राफ्ट बा से वेसल को कौन करा जाए पारे लैंड करा जाए पारे बा कॉल करा जाए पारे राइट राइट वेदर से एयरक्राफ्ट वेदर से एयरक्राफ्ट फर्स्ट टाइम पे आसी थाउ बा से एयरक्राफ्ट बा से वेसल किसी गुड्स बा किसी पैसेंजर को आनी थाई पारे सर ए दुटार माने आगे बुझातु फर्स्ट टाइम माने कौन आउ फॉर द फर्स्ट टाइम माने कौन आट एनी टाइम माने कौन फॉर द फर्स्ट टाइम कहले मने कर आमर अंबानी भाई अंबानी ब्रो राइट अंबानी ब्रो कौन कले ये कौन कले ना जापान रु कौन कले ना गोटे जेट 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 निजर पर्सनल बिजनेस मीटिंग को अटेंड करिया पई ऑल ओवर द इंडिया से कौन कले ना गोटे इंडिया को इंपोर्ट कले राइट ता माने जापान रु कौन हैला ना एयरक्राफ्ट आसी इंडिया रे पहुंचिबो तो से केस रे से एयरक्राफ्ट कौन करूची ना फर्स्ट टाइम पई आसी पहुंची राइट और एट एनी टाइम यार अर्थ जदि अन्य कौनसी समय रे कौनसी वेसल बा एयरक्राफ्ट जहा कि कौन करूथिला कैरिंग पैसेंजर और कार्गो कैरिंग पैसेंजर कहले जदि से किसी पैसेंजर मान क्यारि करके आणुला और कि कार्गो बा कहवा आम कि गुड्स को सी कौन करू ना आणिकी आसुला राइट तो मुझे भावुची ए दुटार माने बुझीहब फर्स्ट टाइम माने जदि आम प्रथम थरपाई कौन सी वेसल बा एयरक्राफ्ट को इंडिया को किणुचे सेटा होची फर्स्ट टाइम से वेसल बा एयरक्राफ्ट आम देश को एंट्री करूची बा जदि मु आउ गोटे एग्जांपल देबी मन कर इंडियन नाभी बा एयरफोर्स एम कौन कले ना आमेरिका रु हौ बा जापान रु हौ कौन कले प्रथम थर पर कौन जदि एयरक्राफ्ट परचेज करुँच फर द नाभी पर्पोज और एयरफोर्स पर्पोज जोटा कि आम इंडिया डिफेन्स पर्पोज पर से वेसल बा से एयरक्राफ्ट फर्स्ट टाइम पे एंट्री करुच्ची एनी टाइम कहले अदर समय रे जदि से एयरक्राफ्ट बा वेसल इंडिया को किसी जिनस आणुची बा पैसेंजर आणुची सेगुड़िक कौटी लैंड हे कौटी कल हे ना केवल कस्टम पोर्टे एवं कस्टम एयरपोर्टे जहाँकि परमिटेड करा जाए बोर्ड जहाँ को सी बी आई सी जोटा परमिट करवल से ही एयरपोर्ट एवं कस्टम पोर्टे कौन हो पारे केवल से ही एयरपोर्ट बा कस्टम पोर्टे कौन हो पारे ना लैंड हो पारे यह कहार रेस्पोन्सिबल ना पर्सन इन चार्ज रेस्पोन्सिबल केवल ऑथराइज कस्टम पोर्ट बा कस्टम एयरपोर्ट छड़ा अन्य कौनसी जगार से वेसल को से लैंड कराइब नाही और से वेसल को लैंड कराइब नाही
ओके ओके तो चलो प्रथम आगे डेफिनेशन को निपटे दबा जो दीटा भी तीनटा डेफिनेशन आसूची राइट ओके तो आमर प्रथम डेफिनेशन आसूला पर्सन इन चार्ज राइट तो पर्सन इन चार्ज कहले इन रिलेशन टू भेसिल जिते बड़े भी आम कौन जहाज कथा कहवा मास्टर ऑफ द भेसिल को कौन कह पर्सन इन चार्ज एग्जाम रे ये शॉर्ट नोट आसूची पर्सन इन चार्ज उपर किसी शॉर्ट नोट लिखा जाऊ मार्क्स राइट पर्सन इन चार्ज अर्थ जदि भेसिल कथा कहवा मास्टर ऑफ द भेसिल जदि आम एयरक्राफ्ट कथा कहवा कमांडर और पायलट इन चार्ज ऑफ द एयरपोर्ट जदि आम रेलवे ट्रेन कथा कहवा द कंडक्टर हो पारे बा गार्ड हो पारे बा अदर पर्सन हैविंग चीफ डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन राइट ताकू कौन कहवा पी आई सी कहवा बा पर्सन इन चार्ज कहवा इन रिलेशन टू एनी अदर कन्वेंस कहले ड्राइवर बट ट्रक केस कहले ड्राइवर और अदर पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस राइट तो कस्टम पोर्ट सेकेंडरी थिंक आसी कस्टम पोर्ट कहले एनी पोर्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन ए ऑफ द कस्ट टू बी कस्टम पोर्ट एंड इंक्लूड्स ए प्लेस अपॉइंटेड अंडर क्लॉज डबल ए ऑफ दैट सेक्शन दैट इज सेक्शन 7 टू बी एन इनलैंड कंटेनर डिपोर्ट आईलैंड कंटेनर डिपोर्ट राइट तो ताकू आम कौन कहे कस्टम पोर्ट रर्थ जहाँकि सेक्शन 7 एवं सबसेक्शन ए रे जहाँ को कौन कह अपॉइंटेड करा जाइछि बा ऑथराइज्ड करा जाइछि ताकू आमे कहूचे कस्टम पोर्ट ओके सिमिलरली कस्टम एयरपोर्ट कहले कौन एनी एयरपोर्ट अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 7 ए टू बी कस्टम एयरपोर्ट एंड इंक्लूड्स ए प्लेस अपॉइंटेड क्लॉज डबल ए ऑफ दैट सेक्शन टू बी एयर फ्रेट स्टेशन राइट जहाँ सेक्शन 7 एवं क्लॉज ए रे जहाँ को कस्टम एयरपोर्ट बा कस्टम पोर्ट बोली मान्यता दिया जाएगी केवल से ही लोकेशन बा से ही पोर्ट रे कौन करा जीवो ना से भेसिल हो बा एयरक्राफ्ट हो लैंड करा जीवो अन्य कौन सी जगह रे से भेसिल बा एयरक्राफ्ट को लैंड जिबलेबे करे न दिया जाए एहा होची कहार रो रेस्पोंसिबल ना पीआईसी रो रेस्पोंसिबल पीआईसी रो रेस्पोंसिबल भेसिल पीआईसी रो कौन होची रेस्पोंसिबल केवल ऑथराइज पोर्ट बा ऑथराइज एयरपोर्ट रे केवल से कौन करिवो ताकु लैंड कराइबो बा कॉल कराइबो जदि हमें सिंपल वर्ड रे कहिबा ए भेसिल और एयरक्राफ्ट एंटरिंग इंडिया फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कैन ओनली कॉल और लैंड एट ए कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट हावेवर द सी बी आई सी कैन परमिट कॉलिंग और लैंडिंग ऑफ वेसल एंड एयरक्राफ्ट एट एनी प्लेस अदर दैन कस्टम पोर्ट और कस्टम एयरपोर्ट ध्यान दियो सर आप तो कहले जे कस्टम आक्ट रे कह जा जे कौन करवाई तो केवल ऑथराइज कस्टम पोर्ट बा कस्टम एयरपोर्ट रे वेसल बा एयरक्राफ्ट को कौन करवाई ना लैंड कराइबापाई लैंड कराइबापाई सर जदि किसी इमरजेन्सी केस आसला जदि किसी इमरजेन्सी केस आसला आइदर से कस्टम रे फ्यूएल प्रॉब्लम हो बा अन्य कोनोसी वार प्रॉब्लम हो बा वेदर कंडीशन प्रॉब्लम हो से केस सर कौन केवल ऑथराइज पोर्ट बा ऑथराइज एयरपोर्ट केवल लैंड करा जीवो मु कहली नो लॉ एते निष्ठुर भी नुह लॉ रे कहा गला सीबीआईसी पाखरे कौन अछि पावर अछि से कौन करि परिबो ना किछि इमरजेंसी केस रे एनी एयरपोर्ट बा एनी कस्टम पोर्ट रे से भेसल बा एयरक्राफ्ट को कौन कर दिया जाय परिबो ना लैंड कराई दे पारिबो एटा कहा पाखरे पावर अछि ना सीबीआईसी पाखरे पावर अछि से ताकू परमिट करी पारिबो राइट
एटी एक्सेप्शन भी सही कथा कह गला प्रोवाइडेड दैट इट मे कॉट और लैंड आट एनी अदर प्लेस कहले जोटा कि सेक्शन सेवेन क्लज ए रे जहाँ को पावर दि जाएनी बा जहाँ को ऑथराइज करा जाएनी बा जो कस्टम पोर्ट को अपॉइंटेड करा जाए नहीं अकॉर्डिंग टू सेक्शन सेवेन क्लज ए अनुसारे ताहा व्यतीत अन्य कौनसी जगह रे बी से कौन कराई दे पारे लैंड कराई दे पारे ओनली इफ कंपेल्ड बाय एक्सीडेंट और बैड वेदर और ड्यू टू सम जेन्युइन ऑन अवॉइडेबल रीजन जदि किसी रीजन थी ताहले से केस रे सी कौन कर पारिबो ना से वेहिकल बा एयरक्राफ्ट को एनी अदर प्लेस रे लैंड कराई दे पारिबो हाउएवर द पीआईसी ऑफ वेहिकल हैज फॉलोइंग ओब्लिगेशन कास्ट ऑन हिम राइट जदि ऑथराइज्ड एयरपोर्ट बा ऑथराइज्ड कस्टम पोर्ट छोड़ा अन्य कौनसी जगह रे गला ना ना वेहिकल हो बा एयरक्राफ्ट हो लैंडफॉल करा गला बा कौन करा गला कॉल करा गला तो से केस रे जी बी पी आई सी रहिले सेमानकर फॉलोइंग ओब्लिगेशन रहिबो कौन ओब्लिगेशन रहिबो ही मस्ट रिपोर्ट टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और कस्टम ऑफिसर ऑफ सच इमरजेंसी अराइवल क्यों कारण पाई सी से पोर्ट रे अराइवल हैला ताकू कहा को जनेबो नियरेस्ट जहाँ भी पुलिस स्टेशन थिबो एवं कस्टम ऑफिसर को जिए थिबे से मा को जनेबो सी कोनोसी परिस्थिति रे से ऑफिसर रो बिना परमिशन रे कोनोसी परिस्थिति रे ऑफिसर रो बिना परमिशन रे कहा को परमिट करिबो नाही कोनोसी गुड्स को सी कोन करे पाई अनलोड करेबा पाई बा जदि कोनोसी पैसेंजर को कोन करिबा पाई ना से एयरपोर्ट हो बा कस्टम पोर्ट कोन करिबा पाई डिपार्ट करिबा पाई फ्रॉम द विंसिट राइट पर्सन इन चार्ज कौन हो ना रेस्पोनसबिलिटी बढ़ी जीवो कौनसी केस रे सी कौन करनी ना से गुड्स अनलोड करिया को दबनी बा पैसेंजर मान को कौन करिया को दबनी ना डिपार्ट करिया को दबनी कहा वेसल रु और एयरक्राफ्ट रु राइट हाउएवर द पैसेंजर और क्रू एंड गुड्स कैन बी केयर सर जदि हेल्थ प्रॉब्लम आसिला ताले से कौन करिवनी ना जहां भी वेसल रो विसिनिटी अच्छी ता परिसर भितर कौन से पैसेंजर को काढ़ी दबनी बा से पैसेंजर को हेल्थ चेकअप पठेबनी येस 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 जदि किसी इमरजेन्सी केस आसला तो से केस रे कौन करी परिबो ना पर्सन इनचार्ज प्रॉपर ऑफिसर थारु परमिशन नहीं से कौन करी परिबो से गुड्स को अनलोड करी परिबो बा से पैसेंजर को कौन करी परिबो डिपार्ट करी परिबो राइट जदि हेल्थ रीजन थिबो बा कोनोसी सेफ्टी रीजन हेतिबो बा कोनोसी प्रॉपर्टी लाइफ को सिक्योर करिया पई हेले बा पेरिसेबल गुड्स केस रे बा हजारस गुड्स केस रे से कौन करा जाई परिबो ना प्रॉपर ऑफिसर रो परमिशन नै से गुड्स को से अनलोड करि परिबो एवं से पैसेंजर को कौन करि परिबो ना से टू डिपार्ट करि परिबो राइट त ए पर्यंत आमे सेक्शन 29 रे पढिले जे भी पर्सन इन चार्ज रहिले से कौन करिवनी इदर से वेहिकल फर्स्ट टाइम पई आसु बा कोनोसी पैसेंजर बा गुड्स को नै आसु त से केस रे से कौन करिवनी ना कौन करिवनी ना केवल ऑथराइज्ड पोर्ट बा कस्टम एयरपोर्ट रे ताकु लैंड करैबो बा कॉल करिवो कोनोसी अदर प्लेस रे ताकु लैंड बा कॉल कराइबो नाही तो प्रश्न आछि जदी से कोनोसी ऑन अवॉइडेबल रीजन पई सीबीआईसी ऑर्डर देला जे से एयरक्राफ्ट बा वेहिकल
ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରାଇବା ପାଇଁ ବା କଲ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ କେସ୍ରେ ପିଆଇସିର ପିଆଇସିର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବା କଷ୍ଟମ ଅଫିସରକୁ ଅବଗତ କରାଇବ ଏବଂ ସେ ଭେସେଲ ବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରୁ ଗୁଡ୍ସକୁ ଅନଲୋଡ଼ କରାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ବା ସେ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି 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 ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବା ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିବ ବା ସେଫ୍ଟି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ହେଇଥିବ, କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିର ସିକ୍ୟୁରିଟି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର ପରମିସନ୍ ନେଇ ସିଏ ସେଠି କ'ଣ କରାଇପାରିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରାଇପାରିବ ବା ଡିପାର୍ଟ କରାଇପାରିବ। ରାଇଟ୍, ଓକେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ସେକ୍ସନ୍ ଥାର୍ଟି। ସେକ୍ସନ୍ ଥାର୍ଟି କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ବାହାରୁ କୌଣସି ଭେସିଲ୍ ବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆସୁଛି କିଛି ଗୁଡ୍ସକୁ କ୍ୟାରି କରି, ତ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଆଇସିର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି, ପର୍ସନ୍ ଇନଚାର୍ଜର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ହେଉଛି, ଯାହା ବି ସିଏ ଗୁଡ୍ସ କ୍ୟାରି କରୁଛି ବା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର କ୍ୟାରି କରୁଛି ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଯାହା ବି ସିଏ କାର୍ଗୋ କ୍ୟାରି କରୁଛି ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନରେ ତାକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ କଷ୍ଟମ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଷ୍ଟେସନ୍ ମିନ୍ସ କଷ୍ଟମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବା କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିବ ନା ଡିଟେଲ୍ସ ଆରାଇଭାଲ ମେନିଫେଷ୍ଟ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମେନିଫେଷ୍ଟ ବା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ IGM ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଜେନେରାଲ ମେନିଫେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ସବମିଟ୍ କରିବ। କିଏ ସବମିଟ୍ କରିବ? ପିଏସି ସବମିଟ୍ କରିବ। କ'ଣ ସବମିଟ୍ କରିବ? ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ସ, ଯାହା ବି କାର୍ଗୋ, ଯାହା ବି ସିଏ କ୍ୟାରି କରୁଛି, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ସିଏ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ, କେଉଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ବା ସେ କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ସିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବ। ରାଇଟ୍, କହୁଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ମେନିଫେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଏ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟୁ କଷ୍ଟମ ଏବାଉଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଭେସିଲ୍ ଅର୍ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ହୁଇଜ୍ ହାଭ୍ ବିନ୍ ବ୍ରଟ୍ ଇନ୍ ଏନି ପୋର୍ଟ ଅର୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଫର୍ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ପୋର୍ଟ ଅର୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଇଜ୍ ଉଡ୍ ବି କ୍ୟାରେଡ଼ ଫର୍ଦର୍ ଫର୍ ଅଦର୍ ପୋର୍ଟ ଅର୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ। ଓକେ, ଯାହା ବି ଗୁଡ୍ସ କ୍ୟାରି କରୁଛି, ଯାହା ଅନଲୋଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଅଛି ସେ ପୋର୍ଟରେ ବା ସେ କଷ୍ଟମ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ବା ସେ କଷ୍ଟମ ଏୟାରପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ବା ଅନ୍ୟ କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟକୁ କ୍ୟାରି କରାଯିବ, ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପର୍ସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ କାହାକୁ ଜଣାଇବ ନା ସେ କଷ୍ଟମ ଷ୍ଟେସନ୍ ବା କଷ୍ଟମ ଅଫିସରକୁ ଜଣାଇବ। ରାଇଟ୍, ଓକେ। ରିପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଏ ଡିଟେଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟୁ କଷ୍ଟମ ଏବାଉଟ୍ ଯାହା ବି ସିଏ ଗୁଡ୍ସ କ୍ୟାରି କରୁଛି, ଯାହାକି କ'ଣ କରାଯାଇଛି, ହାଭ୍ ବିନ୍ ବ୍ରଟ୍ ଟୁ ଏନି ପୋର୍ଟ, ସେ କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟ ହେଉ ବା ସେ କଷ୍ଟମ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଯାହା ଗୁଡ୍ ଅଣାଯାଉଛି କ୍ୟାରି କରିକି ଫର୍ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ପାଇଁ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହୁଇଚ୍ ଉଡ୍ କ୍ୟାରେଡ଼୍ ଫର୍ଦର୍ ଇନପୋର୍ଟ ଏୟାରପୋର୍ଟ, ସେହି କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟରେ ଯାହା ଅନଲୋଡ଼୍ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟକୁ ଯାହା ବି କ୍ୟାରି କରାଯାଇ
क्यारि करके निजी तार डिटेल इनफर्मेसन जन विल सबमिट द पीआईसी विल बी सबमिट पीआईसी अफ कहार भेसिल हो पारे एयरक्राफ्ट हो पारे वेहिकल हो पारे जी की कौन करुच्ची इंपोर्टेड गुड्स को क्यारि करुच्ची और एक्सपोर्ट गुड्स को क्यारि करुच्ची और एनी अदर पर्सन आज कस्टम ब्रोकर और एजेंट यार अर्थ कस्टम रि किसी एजेंट अच्छा से मैंने कौन करेंगे जदि किसी गुड्स क्यारि करेंगे कौन कराइबे जनइबे मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट से पर्सन को कि स्पेसिफाइड कर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड कर भावे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट ओ जी ऑफिशियल गैजेट इन दिस बिहाफ शाल सबमिट इम्पोर्ट मैनिफेस्ट से कौन करेंगे ना इम्पोर्ट मैनिफेस्ट सबमिट करेंगे हाउ थे कह किए सबमिट कर ना पीआईसी चार्ज पीआईसी आदि कौन सी एजेंट कस्टम पोर्टर जो कि एजेंट रही जहाँ को सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ओजी अपॉइंटेड करा जाय छी से माने इंपोर्ट मैनिफेस्ट बा आईजीएम डिटेल इनफर्मेसन जनइबे से कौ गुड्स क्यारि करते अनलोड हबो एवं एवं केबे सेटा पहुंचिबो सर 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 ए आईजीएम सबर किसी टाइम लिमिट अच्छे कि पीआईसी जहाँ कस्टम डिपार्टमेंट को जनइब तार किसी टाइम लिमिट अच्छे कि यस 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 जदि सी कौन हो ना जदि सी कौन हो भेसिल केस हो कौन कर आईजीएम बा इम्पो मैनिफेस्ट केबे जना जीवो ध्यान दियो बहुत इम्पोर्टाट सेक्शन आम पढ़ुचे सेक्शन थर्टी रे कहला जदि इम्पोर्टेड गुड्स भेसिल मध्यम ताहले आईजीएम कौन कर ना एनी टाइम प्रायर आरइवल अफ द प्रायर टू द आरइवल अफ द भेसिल यार अर्थ भेसिल से पोर्ट बा ए कस्टम एयरपोर्ट रे पहुंचा पूर्व आईजीएम को कौन करने को पड़ो सबमिट करने को पड़ो सर भेसिल तो पहुँची एयरक्राफ्ट तो पहुँची बा वेहिकल सॉरी भेसिल तो पहुँच आम भेसिल केस पढ़ुचे तो सर पहुँचवा पूर्व यानी आपको तो ऑफलाइन रे दे हेबनी मुँह कहली तुम्हें ठीक ए पॉइंटटा को धरीच जदि बिफोर आरइवल रु कौन करने को पड़ो ना कौन करने को पड़ो ना इम्पोर्ट रिपोर्ट बा आईजीएम को सबमिट करने को पड़ो ताहले इलेक्ट्रोनिकली कौन करिबा फाइल करिबा आमे ताकु कौन करिबा ना इलेक्ट्रोनिकली फाइल करिबा राइट जदि सेटा एयरक्राफ्ट केस हेथिबो सेम एनी टाइम प्रायर टू द अराइवल ऑफ द एयरक्राफ्ट राइट सेटा को मध्ये कौन करिबा इलेक्ट्रोनिकली फाइल करिबा बट 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 ध्यान दियो एमसीक्यू पई बहुत इंपोर्टेंट जदि कोनोसी गुड्स वेहिकल रे क्यारि करा जाउची ताहले कौन करा जीवो विदिन 12 आवर आफ्टर इट्स अराइवल इन द कस्टम स्टेशन रे पहुंचिबार 12 घंटा भितरे कस्टम स्टेशन रे पहुंचार 12 घंटा भितरे मैनुअली फाइलिंग करिवो दैट मीन्स जेबे भी वेहिकल कौन करिगला ना कस्टम पोर्ट रे पहुंचिला बा कस्टम स्टेशन रे पहुंचिला तार 12 घंटा कौन भितरे मैनुअली कौन कर फाइलिंग कहीं जेहेतु दिस इज द केस आफ्टर अराइवल से मैनुअली फाइल ध्यान दियो जदि आईजीएम प्रॉपर ऑफिसर सॉरी पर्सन इनचार्ज सबमिट कला ना जदि वेहिकल बा एयरक्राफ्ट पहुँचवा पूर्व बा वेहिकल पहुँचवार 12 घंटा भितरे आईजीएम बा इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट बा इम्पोर्ट मैनिफेस्ट बा इम्पोर्ट रिपोर्ट व्हाट एवर मे बी इम्पोर्ट रिपोर्ट इन द केस ऑफ व्हीकल आउ इम्पोर्ट मैनिफेस्ट इन द केस ऑफ वेहिकल और एयरक्राफ्ट राइट तो से केस रे पर्सन इन चार्ज को केते पेनलाइज करा जीवो ताहले अप टू 50,000 अप टू 50,000 रुपीज कौन करा जीवो ना पेनालिटी इम्पोज करा जीवो If it is not submitted, that means import manifest or import report within appropriate time, then proper officer satisfied that
देयर वाज नो सफिशिएंट कॉज अर्थात कोनोसी सफिशिएंट रीजन नथिला जे डिले करिवार सच डिले देन पीआईसी शाल बी लायबल टू पेनल्टी नॉट मोर देन 50,000 ध्यान दियो परीक्षा रे एमसीक्यू आसी पारे जो पर्सन इन चार्ज को पेनल्टी केते लागिवो मोर देन 50,000 और अप टू 50,000 दैट मींस पेनल्टी को नॉट मोर देन 50,000 दैट मींस अप टू 50,000 पेनल्टी लागिवो ओके 50,000 पेनल्टी लागिवो राइट प्रोवाइडेड दैट पीसी प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम और कमिश्नर ऑफ कस्टम मे इन केस व्हेयर इट इज नॉट फिजिबल टू डिलीवर अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट बाय प्रेजेंटिंग इलेक्ट्रॉनिकली अलाउ द सेम टू बी डिलीवर्ड इन एनी अदर मैनर भाई ध्यान दियो दीटा तो लाइन आइदर ऑनलाइन सबमिट करिवो और ऑफलाइन सबमिट करिवो से कहूँ प्रिंसिपल कमिश्नर जदि सैटिस्फाइड हेले कौनसी कारणवशत ऑनलाइन सबमिट करि होई ताहले से कोन करिवे अदर मैनर दैट इज ऑफलाइन रे कोन करिवा पई ना इंपोर्ट रिपोर्ट सबमिट करिवा पई अलाउ करिवे से कहूँ बिलेटेड फाइलिंग इंपोर्ट रिपोर्ट बा आईआर कोन करै परिवो फाइल्ड बिलेटेडली मे ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन वैलिड जस्टिफाइड ग्राउंड जदि किसी वैलिड जस्टिफाइड ग्राउंड अच्छी ताहले कौन करा जाए पारिबो बिलेटेड रिटर्न को मध्य प्रॉपर ऑफिसर एक्सेप्टेड करी पारिबो देन वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट अमेंडमेंट टू आईजीएम अमेंडमेंट टू आईजीएम ध्यान दियो मु कौन कुछ ध्यान दियो बहुत इंपोर्टेंट कथा अमेंडमेंट टू आईजीएम दिस इज योर इंडिया मन करो दिस इज योर इंडिया राइट दिस इज आवर इंडिया नॉट योर इंडिया दिस इज आवर इंडिया जदि कौन सी गुड्स को इंडिया बाहर इंडिया को कौन करा जाउची ओणा जाउची तो आमे पढ़िले एयरक्राफ्ट बा वेहिकल केस रे बिफोर अराइवल आमको आईजीएम दबा पड़ो मन कर ये हूँ मिस्टर एक्स कौन कला ना कि गुड्स को इम्पोर्ट करथिला बाहर राइट तो पीआईसी मन कर दिस इज योर वेहिकल दिस इज योर वेहिकल ए वेहिकल रे आसुथिला तो प्रायर अराइवल कौन करा जीवो ना ए आईजीएम को दबा पड़ो आईजीएम इम्पोर्ट रिपोर्ट को दबा पड़ो राइट तो कौन हला इंडिया पहुंचबा को आउ 2 डेज बाकी अछि इंडिया पहुंचबा को आउ 2 डेज बाकी अछि तो मिस्टर एक्स कौन कला ना ऑर्डर देला जे से गुड्स को कौन करेबा पई ना एटा मन करो मुंबई एयरपोर्ट रे पहुंची बार थला मुंबई एयर मुंबई कस्टम पोर्ट रे पहुंची बार थला तो सी कौन कला एटा कौन कला मन का मुंबई एयरपोर्ट रु न पहुंचे की सी कहिला जे एटा को श्रीलंका अपन जानि छ एटी जो श्रीलंका आछि ए श्रीलंका को पठाई दवा पई कोठी की पठाई दवा पई श्रीलंका को पठाई दवा पई आमे पढ़ी के आसिले आईजीएम कौन ना जहाँ गुड्स भेजिले क्यारी करा जाउची तहार डिटेल केते बेले को गुड्स को कस्टम एयरपोर्ट रे अनलोडेड हबो एवं सेई कस्टम एयरपोर्ट मध्य देगी अन्य कस्टम पोर्ट बा अन्य कस्टम एयरपोर्ट को जहाँ भी क्यारी करा जिवो तहार डिटेल आमको आईजीएम द्वारा सबमिट करिया को पड़िबो देखो एक्चुअली प्रथम ऑर्डर हिसाब रे ये तो मुंबई कस्टम पोर्ट रे पहुंची बार थिला किंतु जत्ते बेले से लोक डायरेक्शन दे देला दैट मींस ए जिंसटा एठी अनलोड न हे कि श्रीलंका रे जाय कि अनलोड हबो कोठी कि श्रीलंका रे जाय कि अनलोड हबो दैट मींस कोन करिया को पड़िबो ना अमर आईजीएम को अमेंड करबा को पड़िबो तो ए केस रे आईजीएम को अमेंड करा जाय पारिबो ई द प्रॉपर ऑफिसर इज सैटिस्फाइड दैट अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट इज इन एनी वे इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट एंड दैट देयर वाज नो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन यदि कोनोसी भूल अछि बा इनकम्प्लीट अछि जोंथिरे फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नाही ही मे परमिट टू बी अमेंडेड और सप्लीमेंटेड अन्य कौन सी सॉरी से आईजीएम को कौन करने
आमेंडमेंट करा जाई परिबो बा ताको परिवर्तन करी कि ता केस रे आउ गुठिए दिया जाई परिबो राइट ओके डिक्लेरेशन से कोची आई एम द पर्सन डिलीवरिंग द अराइवल मैनिफेस्ट और इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट साल एट द फुट देयर ऑफ मेक एंड सब्सक्राइब टू ए डिक्लेरेशन एज इट्स ट्रुथ ऑफ इट्स कंटेंट्स एहार अर्थ जहाँ भी पीआईसी आईजीएम रे सबमिट करिवो ताकु गोटे डिक्लेरेशन दबाकु पड़िबो ताकु कौन दबाकु पड़िबो डिक्लेरेशन दबाकु पड़िबो राइट तो ए पर्यंत आमे दीटा इंपोर्टेंट सेक्शन कवर करले सेक्शन 30 टा बहुत इंपोर्टेंट थिला जे कौन करियाकु पड़िबो इंपोर्ट रिपोर्ट इंपोर्ट रिपोर्ट बा अराइवल मैनिफेस्ट बा इंपोर्ट मैनिफेस्ट बा इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट जहाँ भी कहो पर्सन इन चार्ज को कौन करिया को पड़िबो सबमिट करिबा को पड़िबो जदि भेसिल हेतिबो बा एयरक्राफ्ट हेतिबो तो से भेसिल बा एयरक्राफ्ट पहुँचा पूर्वर इलेक्ट्रोनिकली कौन करिया को पड़िबो फाइलिंग करिया को पड़िबो जदि व्हीकल केस हेतिबो ताहाले पहुँचार 12 घंटा भितर तुमको आईजीएम कौन करिया को पड़िबो मैनुअली फाइल करिबा को पड़िबो जदि मैनुअली फाइल करा नगला ताहाले अप टू 50,000 रुपीज पेनालिटी लागिबो पीआईसी उपरे जदि प्रॉपर रीजन थिबो ताहाले सफिशिएंट रीजन थिबो ताहाले बिलेटेड आईजीएम मध्ये एक्सेप्ट कर जाई पारे जदि फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नथिबो ताहाले कोन करा जाई पारिबो ना प्रॉपर ऑफिसर सैटिस्फैक्शन हिसाब रे से आईजीएम को अमेंडेड करा जाई पारिबो राइट सेक्शन 30 ए ध्यान दियो किचिन तळे हमर जो फ्लाइट आसुथिला कोर्ट तो भूली गली काठमांडू नेपाल जहाँ भी हो गोटे फ्लाइट हाइजैक होता तो जो आमको तीन टा टेररिस्ट को इंडिया गवर्नमेंट को कौन कर पड़ता छाड़िया को पड़ा जो थी मेजुद आजार कौन मेजुद आजार जी कि आम पुलवामा अटाक कौन थी इनवल्व थी राइट तो केस्रे सी कौच केवल गुड्स केस्रे नुहे केवल गुड्स केस्रे नुहे गुड्स केस सेक्शन 30 डील कर से कहि जदि कौन सी एयरक्राफ्ट बा व्हीसिल रे किसी पैसेंजर आसुचंती एयरक्राफ्ट बा व्हीसिल रे किसी कौन आसुचंती पैसेंजर आसुचंती राइट तो कौन करा जाई पारिबो ना कौन करा जाई पारिबो ना से एयरक्राफ्ट पहुँचा पूर्वरु से एयरक्राफ्ट पहुँचा पूर्वरु कौन करा जाई पारिबो जेते पैसेंजर क्यारी होउचंती बा आसुचंती सेमाकर डिटेल सबमिट करने को पड़ो सो दैट गवर्नमेंट कौन कर ना एवरी लोकर जीवा आसवा उपरे से माने कोठिकी जाउचंती से माने कोठिकी आसुचंती तांको उपरे नजर रखी पारिबो तांको उपरे कौन करी पारिबो नजर रखी पारिबो आमर ए फ्लाइट हाइजैक बा कोनोसी आतंकवादी बा टेररिस्ट अटैक बा फ्रॉडुलेंट इंपैक्ट रु कौन करा जाई पारिबो रक्षा करा जाई पारिबो राइट से कुछ सेक्शन 30 ए कैपिटल ए सबसेक्शन 1 रे कहिला पर्सन इन चार्ज टू फाइल अराइवल मैनिफेस्ट द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेयंस दैट एंटर्स इंडिया फ्रॉम एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया जदि इंडिया बाहर किछि आसुची और एनी अदर पर्सन आज मे बी स्पेसिफाइड ऊपर सेक्शन पढ़ के आसे सेंट्रल गवर्नमेंट को जहाँ को नोटिफिकेशन इश्यू करी ऑफिशियल गैजेट रे जे एजेंट को नियुक्त करी बा जे पर्सन को ऑथराइज करी से माने कौन करिवे ना कौन करिवे ना 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 इंपोर्ट मैनिफेस्ट देबे राइट सेक्शन 30 रे थिला तो एठी को जी से माने कौन करिवे साल डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर सेमाने उक्त कस्टम पोर्ट बा कस्टम एयरपोर्ट रो प्रॉपर ऑफिसर को कौन करिवे डिलीवर करिवे कौन डिलीवर करिवे द पैसेंजर एंड क्रू अराइवल मैनिफेस्ट बिफोर अराइवल राइट
से ভেহিকল বা এয়ারক্রাফ্ট আরাইভাল করিবা পূর্বরু প্যাসেঞ্জর ডিটেলস প্রোভাইড করিবে। ইন দ কেস অফ এয়ারক্রাফ্ট অর এ ভেহিকল অ্যান্ড অপন আরাইভাল ইন দ কেস অফ ভেহিকল, যদি ভেহিকল কেস হইব পহঞ্চিলা সময়রে সেমানে কোন করিবে প্যাসেঞ্জর ডিটেলস কষ্টমকু কষ্টমর অথরিটি কি দেবে। দ প্যাসেঞ্জর নেম রেকর্ড ইনফরমেশন অফ আরাইভিং প্যাসেঞ্জার ইন সচ ফর্ম কন্টেনিং সচ পার্টিকুলার ইন সচ ম্যানর উইদিন সচ টাইম আজ মে বি প্রেসক্রাইব, যাহা বি প্রেসক্রাইব করা যাইছি ফর্মাট বা ম্যানর সেই ফর্মরে প্যাসেঞ্জর নেম রেকর্ড কেবে আরাইভিং করিবে সে ডিটেলস কোন করিবে না সে পিআইসি কোন করিবে না কাস্টম অথরিটি কি ফর্নিশ করিবে। হোয়ার দ্য প্যাসেঞ্জার অ্যান্ড ক্রু আরাইভাল ম্যানিফেস্ট অর দ্য প্যাসেঞ্জার নেম রেকর্ড ইনফরমেশন অর এনি পার্ট দেয়ার অফ ইজ নট ডেলিভার, যদি সে পিআইসি কোন কলা নাহি ডেলিভার কলা নাহি টু দ্য প্রপার অফিসর উইদিন সচ প্রেসক্রাইব টাইম অ্যান্ড ইফ দ্য প্রপার অফিসর ইজ স্যাটিসফাইড দ্যাট দেয়ার ওয়াজ নো সফিসিয়েন্ট কজ ফর সচ ডিলে, দেন পর্সন ইন চার্জ অর অদর পর্সন সেমানকু কোন করাযিব না তাক উপরে পেনাল্টি ইম্পোজ করাযিব নট এক্সিডিং 50,000, এহার অর্থ অপ টু রুপিজ কেতে না 50,000 পেনাল্টি সেমানে দেবে, রাইট। ধ্যান দিও এবে আমি কাস্টম লর কমপ্লিটলি ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করুছে, ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করছে, এহার অর্থ আজি আমি কোন করিবা না কাস্টম লর যাহা বি ব্যাকগ্রাউন্ড অছি আমি পড়িবা, তারপরে ধীরে 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 কাস্টম লকু আগুকু নেইকি যিবা, রাইট। দেন সেকশন 31 কউচি ইম্পোর্টেড গুডস নট টু বি অনলোডেড ফ্রম ভেস অন্টিল এন্ট্রি ইনওয়ার্ডস গ্রান্টেড, রাইট। সে কুচি যাহা বি মনে কর ইন্ডিয়া বাহারু ইন্ডিয়াকু যেউ ভেসিল বা এয়ারক্রাফ্ট আসুচি বা সেতিরে যেউ গুডস কু ইম্পোর্ট করা যাই আসুচি তাক আমি কোন করিবানি অনলোড করিবা নাহি, সে ভেসিল রু বা সে এয়ারক্রাফ্ট আমি অনলোড করিবা নাহি যে পর্যন্ত এন্ট্রি ইনওয়ার্ড দিয়া যাই নাহি গ্রান্ট করা যাই নাহি, অর্থাৎ প্রপার অফিসর পারমিশন দেইনি যে কোন করিয়া পাই সে ভেহিকল কু এন্ট্রি করিবা পাই সে পর্যন্ত আমি কোন করি পারিবা নাহি না কাস্টম পোর্ট রে বা কাস্টম এয়ারপোর্ট রে আমি কোন করিবা নাহি না ভেহিকল কু সরি গুডস কু অনলোড করি পারিবা নাহি। দ মাস্টার অফ ভেসেল শাল নট পারমিট দ অনলোডিং অফ এনি গুডস অন্টিল অ্যান অর্ডার হ্যাজ গিভেন বাই প্রপার অফিসর গ্রান্টিং ইন এন্ট্রি ইনওয়ার্ড টু সচ ভেসেল, যে পর্যন্ত এন্ট্রি ইনওয়ার্ড মিলিনি সে পর্যন্ত তুমি গুডস অনলোড করা দেব না। নো অর্ডার অন্ডর সবসেকশন ওয়ান শাল বি গিভেন অন্টিল আরাইভাল ম্যানিফেস্ট অর ইম্পোর্ট ম্যানিফেস্ট হ্যাজ বিন ডেলিভার, এহার অর্থ সেকশন 30 সেকশন 30 ক্যাপিটাল এ রে আমি পড়ি আসলে যে আইজিএম বা ইম্পোর্ট রিপোর্ট, সে কুচি যে পর্যন্ত আইজিএম বা ইম্পোর্ট রিপোর্ট পিআইসি কাহাকু সবমিট করিনি না কাহাকু সবমিট করিনি না প্রপার অফিসরকু সবমিট করিনি সে পর্যন্ত এন্ট্রি ইউনিভার্স গ্রান্টেড করা যাব না, প্রপার অফিসর সে পর্যন্ত এন্ট্রি ইউনিভার্স দেব না। আমি পড়িলে ভেহিকল কেস্রে ভেহিকল কেস্রে আরাইভালর 12 ঘন্টা ভিতর ভেসিল বা এয়ারক্রাফ্ট কেস্রে আরাইভাল পূর্বরু ইলেকট্রোনিকালি কোন করিয়াকু পড়ুতিলা না ইম্পোর্ট রিপোর্ট বা ইম্পোর্ট জেনারেল ম্যানিফেস্টকু সবমিট করিবাকু পড়ুতিলা। ওকে, নথিং ইন দিস সেকশন শাল আপ্লাই টু দ অনলোডিং অফ ব্যাগেজ অর অ্যাকম্পানি এ প্যাসেঞ্জার অর এ মেম্বার ক্রু মেল ব্যাগস অ্যানিমালস পেরিসেবল গুডস
एंड हजार्डस गुड्स। सी कौन कौन ध्यान दियो, सी कौन जदि बैगेज बैगेज मीन्स लगेज, राइट, बैगेज मीन्स लगेज। सी कही बैगेज को अनलोड करिया पई बा मेल बैग्स को अनलोड करिया पई बा कोनोसी मेंबर रो कोन को पई लगेज को अनलोड करिया पई बा कोनोसी एनिमल बा पेरिसेबल गुड्स बा हजार्डस गुड्स ए केस रे कोन कोला दरकार नाही, ए केस रे कोन करिया दरकार नाही ना उपरोक्त दीटा प्रोविजन लागू हबो नाही। एहार अर्थ यदि एनिमल सही थी फॉर एन एग्जांपल देन दियो ध्यान दियो जहाँ कहूँ टिके ध्यान दियो बुझिपार। मन कर मिस्टर एक्स, राइट, मन कर यूएसए रु कौन कला ना गोटे अमेरिकन काउ इंपोर्ट करुची, राइट, से काउ कौन करुची ना पर डे थ्री टाइम्स मिल्क दौची, कौन दौची ना थ्री टाइम्स मिल्क दौ, राइट, एवं गुटी टाइम रे 10 लीटर मिल्क दौछ, केते लीटर मिल्क दौछ ना 10 लीटर मिल्क दौछ। जहा हो जे टिके ध्यान दियो 10 लीटर मिल्क दौछ एवं 3 टाइम्स मिल्क दौछ, राइट। मन कर मिस्टर एक 30 टा काउ आनिच, केतडा काउ आनिच 30 टा काउ आनिच, तो गुड्स आसी की कस्टम पोर्ट रे पहुंचि गले कोनोसी कारणवशत मन कर अराइवल मैनिफेस्ट दिया जाय नहीं बा इम्पोर्ट मैनिफेस्ट दी जाए नहीं। सी कहूँ से केस रे आमे कौन करिबानी ना से केस रे आमे कौन करिबानी ना अनलोडिंग टा को अटकेबा नाही, अर्थात एही सेक्शन रे जहाँ भी सेक्शन 31 रे कौन कहूला ना एंट्री इनवर्ड न मिलला पर्यंत व्हीकल रु सॉरी व्हीसिल रु गुड्स अनलोड हबो नाही। सी कहूँ जदि एनिमल केस हितिबो बा पेरिसेबल गुड्स हेतिबो बा हजार्डस गुड्स हेतिबो तो से केस रे उपरोक्त दुटा प्रोविजन लागिबो नाही, अर्थात उपरोक्त दुटा प्रोविजन लागिबो नाही, अर्थात एंट्री इनवर्ड न मिलिले पी गुड्स को अनलोड करा जाय पारिबो। से कुछ एंट्री इन समझुची द सीप्स एंट्री पेपर लाइक arrival report, manifest, etc. have been received and they have been found to be in order, right? अर्थात जहाँ भी submit करा जाए ची entry sorry जहाँ भी भेजिले ऐसी proper time रे पहुँचुची सही टा order रे होची एवं जहाँ आईजीएम रे कौन कराई थिला माने मेंशन करा जाय थिला से गुड़ी को ऑर्डर अछि। से कहूची एंट्री यूनिट इज डिनोट द सीप्स एंट्री पर लाइक अराइवल रिपोर्ट और मैनिफेस्ट हैव बीन रिसीव्ड एंड दे हैव बीन फाउंड इन ऑर्डर द पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेयंस कैन कमेंस फर्दर इंपोर्ट ऑपरेशन namely unloading of a cargo and disembarking of passenger, right? Subsection 1 only refer master of vessel and not person in charge, hence requirement of entry inward is only for vessel and not for aircraft. ध्यान दियो मास्टर ऑफ व्हीसल केस कही छी, ओके, मास्टर ऑफ व्हीसल केस एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट, राइट, एग्जाम रे एमसीक्यू पई बहुत इंपोर्टेंट जे केवल जदि मास्टर ऑफ व्हीसल को कोन रा जाहिनी एंट्री एनवर्ड मिली नाही ताहाले से ता गुड्स को अनलोड करि पारिबो नाही बट नॉट इन द केस एयरक्राफ्ट। दस फॉर अनलोडिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट और व्हीकल नो परमिशन इज रिक्वायर्ड, राइट, ओके। सेक्शन 13 इंपोर्ट गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन इंपोर्ट मैनिफेस्ट और इंपोर्ट रिपोर्ट। से कहूँ नो इंपोर्टेड गुड्स रिक्वायर्ड टू बी मेंशन
अंडर द रेगुलेशन इज एन अराइवल मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट साल एक्सेप्ट विथ परमिशन ऑफ द प्रॉपर ऑफिसर बी अनलोडेड एट एनी कस्टम स्टेशन अनलेस दे आर स्पेसिफाइड इन सच मैनिफेस्ट और इम्पोर्ट रिपोर्ट और बीइंग अनलोडेड एट सच कस्टम स्टेशन यार अर्थ जे पर्यंत प्रॉपर ऑफिसर रा परमिशन आसी नाही से पर्यंत आमे कौन करी परिबा नाही ना अनलोड करी परिबा नाही अर्थात जेते बेले प्रॉपर ऑफिसर कौन करिबो ना इम्पोर्ट मैनिफेस्ट रे जहाँ भी ताकू डिटेल्स दिया जाय थिला ताकू से वेरीफाई करी सारिबो सेते बेले कौन करी परिबो आईजीएम रे मेंशन करा जाय थिबा गुड्स को सीए सेठी कस्टम पोर्ट बा कस्टम एयरपोर्ट रे अनलोड करिबा को दबो अन्य कोनोसी गुड्स बा अन्य कोनोसी जिनिस जहा की इम्पोर्ट रिपोर्ट बा इम्पोर्ट मैनिफेस्ट रे मेंशन नाही ताकू सी अनलोड करिबा को दबो नाही इम्पोर्टेड गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड अनलेस मेंशन इन इम्पोर्ट मैनिफेस्ट एहार अर्थ जे पर्यंत तमे इम्पोर्ट आईजीएम रे बा इम्पोर्ट रिपोर्ट रे मेंशन करिनो से पर्यंत तमे गुड्स को दिया जाय प्रॉपर ऑफिसर कोन करे दबनी ना कस्टम पोर्ट बा कस्टम एयरपोर्ट रे अनलोडेड कराई देबो नाही एहार उद्देश्य होची स्मगलिंग एक्टिविटीज बा चोरी को रोकिबा पाही एहार अर्थ तमे आईजीएम रे जहा इनफॉरमेशन देबो केवल से जिनस ही अपलोड करा जाई पारिबो सॉरी अनलोड करा जाई पारिबो ता छा अन्य कोनोसी जिनस को आमे अनलोड कराई देबु नाही ओके नेक्स्ट अनलोडिंग एंड लोडिंग ऑफ गुड्स एट अप्रूव्ड प्लेस ओनली से कहूँ जहाँ भी आम गुड्स को अनलोड करुचे इम्पोर्टेड गुड्स को अनलोड करुचे बा एक्सपोर्ट पाई लोड करिबा साकु आम कौन करिबा ना केवल अप्रूव प्लेस रे ही सेटा लोड हो पार अप्रूव प्लेस रे ही सेटा अनलोड हो पार राइट एक्सेप्ट विथ परमिशन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर नो इम्पोर्टेड गुड्स shall be unloaded or exported goods shall be loaded at any place other than place approved under section 8A. Right? ध्यान 7A आमे पढ़ी के आसतिले section 7 clause A आमे पढ़ी के आसतिले approved custom port बा approved custom airport जहाँ को CBEIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड आईसी सीबीआईसी कस्टम जहाँ को कौन करतिला ना ऑथराइज करतिला बा अप्रूव करतिला से कहूँ कमिशनर बा प्रिंसिपल कमिशनर जे पर्यंत से जगह को अप्रूव करिना थी से केस रे बा से जगह व्यतीत अन्य कोनोसी जगह रे आमे गुड्स को अनलोड करै दबा नाही ध्यान दियो दीटा कथा गोटे हूँ सेक्शन 7 क्लॉज ए रे कौन आसला ना ना कौन आसला कस्टम पोर्ट बा कस्टम एयरपोर्ट जहाँ को किए ऑथराइज कर ना सीबीआईसी बट सेक्शन 8 क्लॉज ए रे कौन आसला ना अप्रूव्ड प्लेस रे गुड्स लोड बा अनलोड करबा पई जहाँ को किए अप्रूव करिवो जहाँ को किए अप्रूव करिवो ना कमिश्नर जहाँ को किए अप्रूव करिवो ना कमिश्नर अप्रूव करिवो केवल सही जगह ही गुड्स कौन करा जिवो अनलोड करा जिवो एवं लोड करा जिवो लोड करा जिवो एवं अनलोड करा जिवो जहाँ को कमिश्नर बा प्रिंसिपल कमिश्नर कौन करबो ना जो प्लेस को अप्रूव रहिबो राइट ओके
ନେକ୍ସଟ ସେ କହିଛି ସେକ୍ସନ୍ 30 କହିଲା ଯାହା ବି ଗୁଡ଼ସ ତୁମେ ଲୋଡ଼ କରୁଛ ବା ଅନଲୋଡ଼ କରୁଛ ତାହା କଷ୍ଟମ ଅଫିସର ସୁପରଭିଜନରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯାହା ବି ତୁମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିବ ଯାହା ବି ତୁମେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ବି ତୁମେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିବ ଆଇଜିଏମ୍ ଯାହା ବି ଫାଇଲ୍ କରିଥିବ ତାକୁ ଆଖି ରଖି କ'ଣ କରିବ ନା ସେକ୍ସନ୍ 31 ଆମେ ପଢ଼ିକି ଆସିଥିଲେ ଆଇଜିଏମ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ର ମେନିଫେଷ୍ଟକୁ ବାଁ ହାତରେ ଧରିବ କଷ୍ଟମ ଅଫିସର ଏବଂ ଡାହାଣ ହାତରେ ଦେଖୁଥିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଗୁଡ଼ସ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ସ ଆଇଜିଏମ୍ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ମେନ୍ସନ୍ ହୋଇଛି କେବଳ ସେଇ ଗୁଡ଼ ଅନଲୋଡ଼ ହେବ। ଆକର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଲି ଏକ୍ସପୋର୍ଟସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ସ ମେନ୍ସନ୍ ଥିବ ସେଇ ଗୁଡ଼ସକୁ ହିଁ ସିଏ ଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କଷ୍ଟମ ଅଫିସର ସୁପରଭିଜନରେ ହିଁ ଗୁଡ଼ସ ଲୋଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ ଅନଲୋଡ଼ କରାଯାଇପାରିବ। ରାଇଟ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼। ଓକେ, ଦେନ୍ ପଳେଇ ଚାଲ ସେକ୍ସନ୍ 45। ରାଇଟ୍, ଓକେ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଓକେ, ଓକେ, ସେ କହିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅନ୍ କଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ସ। ରାଇଟ୍, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅନ୍ କଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ରିମୁଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ଼ସ। ସେ କହିଛି ଯାହା ବି ଗୁଡ଼ସକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ କରାଯାଉଛି ସେ କାହା କଷ୍ଟଡିରେ ରହିବ ନା ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଷ୍ଟଡିରେ ରହିବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍, ଯାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଡ଼ସକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଅନଲୋଡ଼ କରାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଡ଼ସକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଅନଲୋଡ଼ର ଅନଲୋଡ଼େଡ଼, ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଡ଼ସକୁ ଅନଲୋଡ଼େଡ଼ କରାଗଲା, ରାଇଟ୍, କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ସେ ଗୁଡ଼ସକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟରୁ, ସେ ଗୁଡ଼ସକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟରୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ଫର୍ମାଲିଟିଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କଲା ପାଇଁ ହିଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ନା କ୍ଲିୟର କରାଯାଇପାରିବ ହୋମ୍ କନ୍ସର୍ନ୍ସ ପାଇଁ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୁଡ଼ସଟା କାହା କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ରହିବ ନା ଗୋଟିଏ ଲୋକ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ରହିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍, ଯେଉଁ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍କୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିବ ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିଥିବ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କମିଶନର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିଥାଇପାରେ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିପାରେ ବା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କମିଶନର୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିପାରେ। ସେ କହୁଛି କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ର କାମ କ'ଣ ନା ଯାହା ବି ଗୁଡ଼ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼୍ ହେଲା ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟର୍କୁ ହାତ ଦେଇଦେବନି, କ୍ଲିୟର କରାଇବାକୁ ଦେବନି, ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ କରିବାକୁ ଦେବନି ବା କିଛି କରିବାକୁ ଦେବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଡ଼ର୍ ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ଇସ୍ୟୁ ନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଅର୍ଡ଼ର୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟର୍ ନେଇ ସେ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ ପାଖରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟୋଡ଼ିଆନ୍ କ'ଣ କରିବନି ନା ଗୁଡ଼କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଗୁଡ଼କୁ କ୍ଲିୟର୍ କରାଇବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର ଅଫିସର୍ ସବୁ
ଅଲ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ଜିନିଷକୁ ସାର୍ଟିଫାଏ କରିବ, ସେବେଳେ ଯାଇକି କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗୁଡ୍ସକୁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଦେବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୁଡ୍ସରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, କାହାକୁ ନା ଇମ୍ପୋର୍ଟରକୁ। ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସାର୍, ଯଦି ଗୁଡ୍ସ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ଚୋରି ହେଇଗଲା ବା ଗୁଡ୍ସ ଥେଫ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତ ସେ କେସ୍ରେ କ'ଣ କରିବ? ନା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତ ତା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇବ ନାହିଁ, ତା ଡ୍ୟୁଟି ପାଇବ ନାହିଁ। ଦେଖ, କଷ୍ଟମର କହିଲା, ହେ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍, ତୋତେ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଗୁଡ୍ସକୁ ତୋ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁଡ୍ସ ଚୋରି ହେଉଛି, ସେ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ଯାହା ବି କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିଥାନ୍ତା ବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥାନ୍ତା, ସେତିକି ଟଙ୍କା କ'ଣ କରିବ? ନା ସେ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ପାଖରୁ କଲେକ୍ଟ କରିବ, କିଏ କଲେକ୍ଟ କରିବ? ନା କଷ୍ଟମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ କରିବ। ସାର୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଗୁଡ୍ସ? ତ ଏଠି କଷ୍ଟମ ଲ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ବି ଗୁଡ୍ସକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼୍ କରାଯାଇଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟରକୁ କହିଥିଲୁ ତମେ ତମ ଗୁଡ୍ସର କ'ଣ କରିଦିଅ? ନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦିଅ। ତମେ କ'ଣ କରିଦିଅ? ନା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିଦିଅ। ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ନାହିଁ। କଷ୍ଟମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କେବଳ କେଉଁଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାର ଅଛି? ନା ସେ ଗୁଡ୍ସ ଉପରେ ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପାଇବାର ଥିଲା, ସେ କ'ଣ କରିବ ନା 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 କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ପାଖରୁ ରିକଭର କରିବ। ରାଇଟ୍, ସେ କହିଛି, ସେଭ୍ ଆଜ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼େଡ଼ ଇନ୍ ଏନି ଲ ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବିଂ ଇନ୍ ଫୋର୍ସ, ଅଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଗୁଡ୍ସ ଅନଲୋଡ଼େଡ଼ ଇନ୍ ଏ କଷ୍ଟମ ଏରିଆ ଶାଲ୍ ରିମେନ୍ ଇନ୍ କଷ୍ଟୋଡି ଅଫ୍ ସଚ୍ ପର୍ସନ୍। କଷ୍ଟୋଡି ଅଫ୍ ଏଠି କେତେ ଓମିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖି ନେବ। କଷ୍ଟୋଡି ଅଫ୍ ସଚ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଜ୍ ମେ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ବାଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମିଶନର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମିଶନର ଅଫ୍ କଷ୍ଟମ ଅର୍ କମିଶନର ଅଫ୍। ରାଇଟ୍, ଅଲ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଗୁଡ୍ସ ଅନଲୋଡ଼େଡ଼ ଇନ୍ ଏ କଷ୍ଟମ ଏରିଆ ଶାଲ୍ ରିମେନ୍ ଇନ୍ ଦ କଷ୍ଟୋଡ଼ି ଅଫ୍ ସଚ୍ ପର୍ସନ୍ ଆଜ୍ ମେ ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ଡ ବାଏ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କମିଶନର ଅଫ୍ କଷ୍ଟମ ଅର୍ କମିଶନର ଅଫ୍ କଷ୍ଟମ। ଓକେ, ଅଣ୍ଟିଲ୍ ଦେ ଆର୍ କ୍ଲିୟର୍ ଫର୍ ହୋମ୍ କନଜପ୍ସନ୍। ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିବା, ଦେଖ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଗୁଡ୍ସ ଆସିଲା ସେ କ'ଣ ହେବ? କ୍ଲିୟର୍ ଫର୍ ହୋମ୍ କନଜପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଇମ୍ପୋର୍ଟର କ'ଣ କରିବ? ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ ନିଜେ ନେଇଯିବ, ଏଇଥର କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ, ଯଦି ସେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଥିବ, ଅର୍ ଫର୍ ପର୍ସନାଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ, ଯଦି ସିଏ ପର୍ସନାଲ୍ ପର୍ପୋଜ୍ ପାଇଁ ଆଣିଥିବ। ଅର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଗୁଡ୍ସକୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? ନା ୱେୟାର୍ ହାଉସ୍ କରାଯାଇପାରେ, ୱେୟାର୍ ହାଉସ୍ ପରେ ହୋମ୍ କନଜପ୍ସନ୍ କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ? କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ନେଇପାରେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଯାହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ୍ସ ଆସିଲା, ଆଇଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟର କ'ଣ କରିବ? ନା ଡ୍ୟୁଟି ପେ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁଡ୍ସ କ'ଣ କରିଦେବ? ନା କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେବ ହୋମ୍ କନଜପ୍ସନ୍ ପାଇଁ। ରାଇଟ୍, ଯଦି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆଇଦର ଇମ୍ପୋର୍ଟର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ମନି ହ୍ୱାଟେଭର୍ ମେ ବି କ'ଣ କରିପାରିବ? ନା ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ଼୍ ଗୁଡ୍ସକୁ ୱେୟାର୍ ହାଉସ୍ କରିପାରିବ ଏବଂ ପରେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ନା ସେ ୱେୟାର୍ ହାଉସ୍ ଗୁଡ୍ସକୁ କ୍ଲିୟର୍ କରିବ।
ସେ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଗୁଡ଼ା କାହା ଅଧୀନରେ ରହିବ ନା କଷ୍ଟୋଡିଆନ ଅଧୀନରେ ରହିବ। ଦ ପର୍ସନ୍ ହାଭିଂ କଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଏନି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ଇନ୍ ଏ କଷ୍ଟମ୍। ଆମେ ପଢ଼ିବା ସେକ୍ସନ୍ 46 ଆ ପରେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ସେକ୍ସନ୍ 46ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ କ୍ଲିୟର୍ କରାଯାଇପାରିବ ପ୍ରପର୍ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇକି, ରାଇଟ୍। ଏବଂ ଏଇ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ସନ୍ 46 ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ୱେୟାର୍ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ୱେୟାର୍ ହାଉସ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କରିପାରିବା ଏବଂ ପରେ ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ ହୋମ୍ କନଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର୍ ହେବ। 46ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦ ପର୍ସନ୍ ହାଭିଂ କଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ଇନ୍ ଏ କଷ୍ଟମ୍ ଏରିଆ ୱେଦର୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଦ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ ସବ୍ସେକ୍ସନ୍ 1 ଅର୍ ଅଣ୍ଡର୍ ଏନି ଲ ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ବି ଇନ୍ ଫୋର୍ସ ଶାଲ୍ କିପ୍ ଏ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ସଚ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟ ଟେକ୍ କପି ଦେୟାର୍ ଅଫ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର୍। କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଗୁଡ୍ସର ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବ ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ କପି ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର୍ ପାଖକୁ ସେଣ୍ଡ କରିବ। ସାଲ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସେ କାହାକୁ ହାତ ଲଗାଇବାକୁ ଦେବନି। ସଚ୍ ଗୁଡ୍ସ ଟୁ ବି ରିମୁଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ କଷ୍ଟମ୍ ଏରିଆ କଷ୍ଟମ୍ ଏରିଆରୁ ରିମୁଭ୍ କରାଇ ଦେବ ନାହିଁ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଡିଲ୍ ଟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ମରାଇ ଦେବ ନାହିଁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଅଣ୍ଡର୍ ଆକୋଡାନ୍ସ ୱିଥ୍ ଦ ପରମିସନ୍ ଇନ୍ ରାଇଟିଂ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ ଚିଫ୍ ଅଫିସର୍ ଅର୍ ଇନ୍ ସଚ୍ ମ୍ୟାନର୍ ଆଜ୍ ମେ ବି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍। ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର୍ ଯାହା ବି ପରମିସନ୍ ଦେଇବ ରାଇଟିଂରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଦେଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ ନା କ୍ଲିୟର୍ କରିବାକୁ ଦେବ ନା ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଦେବ। ନଟ୍ ୱିଥଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏନିଥିଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଲ ଫର୍ ଦ ଟାଇମିଂ ଇ ଫୋର୍ସ ଇଫ୍ ଇନି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ପିଲ୍ଫର୍ ହେଇଗଲା ଆଫ୍ଟର୍ ଅନ୍ଲୋଡ଼ିଂ ଦେୟାର୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ କଷ୍ଟମ୍ ଏରିଆ କଷ୍ଟମ୍ ଏରିଆରେ ଅନ୍ଲୋଡ଼ିଂ ପରେ ଚୋରି ହେଇଗଲା ଦ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଇନ୍ କଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ପର୍ସନ୍ ଯେତେ ସେ ଗୁଡ଼ଟା କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ପାଖରେ ଥିଲା ରେକର୍ଡିଂ ସବ୍ସେକ୍ସନ୍ 1 ସବ୍ସେକ୍ସନ୍ 1ରେ ଯାହା ବି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କମିଶନର୍ ବା କମିଶନର୍ ଯେଉଁ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟେଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ଅଧୀନରେ ଥିବା ଗୁଡ୍ସ ଯଦି ପିଲ୍ଫର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ବା ଚୋରି ହେଇଗଲା ସେ କେସ୍ କ'ଣ କରାଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ପର୍ସନ୍ ଶାଲ୍ ବି ଲାଇବଲ୍ ଟୁ ଡ୍ୟୁଟି ଅନ୍ ସଚ୍ ଗୁଡ୍ସ। ବୁଝିଲି ଯେତିକି ଡ୍ୟୁଟି ସେ ଗୁଡ୍ସରେ ହେବା କଥା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କମିଶନର୍ ବା କମିଶନର୍ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ଠାରୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ପ୍ରିଭେଲିଂ ଅନ୍ ଦ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଅଫ୍ ଆରାଇଭାଲ୍ ମେନିଫେଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଆରାଇଭାଲ୍ ମେନିଫେଷ୍ଟ ଯେଉଁଦିନ ଆରାଇଭାଲ୍ ମେନିଫେଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇଦିନ ଯାହା ବି ରେଟ୍ ଥିବ ସେଇ ରେଟ୍ରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ପାଖରୁ ଡ୍ୟୁଟି କଲେକ୍ଟ କରାଯିବ, ରାଇଟ୍। ଅନ୍ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଲିଭରି ଆରାଇଭାଲ୍ ମେନିଫେଷ୍ଟ ଅର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଜେନେରାଲ୍ ମେନିଫେଷ୍ଟ ଅର୍ ଆ ତ କେସ୍ ମେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଏହି କେସ୍ରେ ଟୁ ଦ ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର୍, ରାଇଟ୍। ଅଣ୍ଡର୍ ସେକ୍ସନ୍ 30 ଅଣ୍ଡର୍ ସେକ୍ସନ୍ 30 ପଡ଼ିକି ଆସିଲେ 30 ଇମ୍ପୋର୍ଟ ହେବ ଫର୍ ଆରାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ କନଭେନ୍ସ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଦ ସେଡ୍ ଗୁଡ୍ସ ଆର୍ କ୍ୟାରେଡ୍। ଓକେ, ଏହାର କେନ୍ ପାର୍ଟରେ ଆମେ କଭର୍ କରିବା ସେକ୍ସନ୍ 46 କଭର୍ କରିବା। ତ ଆଜି 46ଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଯେଉଁ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଦରକାର ସେ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଆମେ ଆଜି କଭର୍ କରିବା।
କହୁଛି ପ୍ରୋସିଡ଼ର ଇନ୍ କେସ୍ ଗୁଡ଼୍ସ ନ କ୍ଲିୟର ଅର୍ ୱେୟାର ଅର୍ ଟ୍ରାନ୍ସ ୱିଦିନ୍ 30 ଡେଜ୍ ରାଇଟ୍ ମନେକର ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆୱାର ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଗୁଡ଼୍ସ ଆସି କଷ୍ଟମ୍ ପୋର୍ଟ ବା କଷ୍ଟମ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ କହୁଛି ଯଦି ସେ ଗୁଡ଼୍ସଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ ନା ହୋମ୍ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରେ ହୋମ୍ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରେ ହୋମ୍ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ କ୍ଲିୟର ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସବମିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭ୍ୟାରିଅସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଭ୍ୟାରିଅସ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଭିଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଭିଡ଼ିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଇଭିଡ଼ିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଇଟ୍ ହୋମ୍ କନ୍ଜମ୍ପସନ୍ ପାଇଁ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ରାଇଟ୍ ଯଦି ସେ ଇଭିଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ରିଜନେବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେ ଇଭିଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ରିଜନେବୁଲ୍ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଯଦି ଇଭିଡ଼ିଏନ୍ସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେବୁଲ୍ ହେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବା ଇଭିଡ଼ିଏନ୍ସ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଡିମର୍ଜ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଡିମର୍ଜ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ତ ଏଇଟା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାର୍ଜ ସେକ୍ସନ୍ 48ରେ ନେଇବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ ତ ଫିଲହାଲ ଏବେ ଆମେ କଭର୍ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ସେକ୍ସନ୍ 48 ଓକେ ସେକ୍ସନ୍ 48 ସେକ୍ସନ୍ 48 ଓକେ ସେ କହୁଛି ଦେଖ ଇଫ୍ ଏନି ଗୁଡ୍ ବ୍ରଟ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ନଟ୍ କ୍ଲିୟର୍ ଫର୍ ହୋମ୍ ଜବ୍ସନ୍ ଅର୍ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ଆଇଦର ସିଏ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନାହିଁ କି ସେ ୱେୟାର ହାଉସ୍ କରା ନାହିଁ ଅର୍ ଟ୍ରାନ୍ସିଟ୍ ୱିଦିନ୍ 30 ଡେଜ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ମନେକର ମୁମ୍ବାଇ କଷ୍ଟମରେ ଆସି ଗୋଟେ କିଛି ଭେହିକିଲ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଗୁଡ଼୍ସଟା ଯିବାରେ ଅଛି ଚେନ୍ନାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସିଏ 30 ଦିନ ଭିତରେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା ନାହିଁ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ସରି ମୁମ୍ବାଇ କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟରୁ ଚେନ୍ନାଇ କଷ୍ଟମ ପୋର୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସିପ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ ଟ୍ରାନ୍ସିପ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ 30 ଡେଜ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବା ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଗୁଡ୍ ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସିଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ରାଇଟ୍ ତା ଭିତରେ ଫରକ ଆମେ ସେତେବେଳେ କହିବା ଫିଲ୍ଆପ୍ ଏବେ ହାଲକା ହାଲକା ହୋଇଦେଉଛି ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଚେନ୍ନାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ରାଇଟ୍ ମନେକର ଯେଉଁ ଭିସିଟା ଆସୁଛି ମୁମ୍ବାଇ ହେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବ କେଉଁଠିକି ଯିବ ମୁମ୍ବାଇ ହେଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯିବ ମନେକର ଭେସେଲ୍ଟା ଆସୁଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେରିକା ସେ ଭେସେଲ୍ଟା ଆସୁଛି ରାଇଟ୍ ଯେଉଁ ଭେସେଲ୍ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେ ଭେସେଲ୍ରେ ଯାହା ବି ଗୁଡ୍ସ ଆସିଛି କିଛି ଗୁଡ୍ସ ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସରି ମୁମ୍ବାଇ କଷ୍ଟମ ବୋର୍ଡର ଏବଂ କିଛି କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପଳାଇବ ରାଇଟ୍ ଯଦି ୟୁଏସ୍ ଗୁଡ୍ସ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଯାଉଛି କାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ନା ମୁମ୍ବାଇ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ଗୁଡ୍ସ ରାଇଟ୍ ଯଦି ମନେକର ମୁମ୍ବାଇ ପୋର୍ଟରେ ଆସି କିଛି ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସକୁ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଚେନ୍ନାଇ ପୋର୍ଟକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବ ତା'ର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଇଁ ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ ଆମେ କହୁଛେ ନା ଟ୍ରାନ୍ସିପ୍ଟ ଗୁଡ୍ସ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଏଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନୋଟ୍ସ ଅଛି ତ ଫିଲ୍ଆପ୍ ଏବେ ଦେଖେଇ ଚାଲ କଷ୍ଟମ୍ ପୋର୍ଟରେ ଗୁଡ୍ସ ପହଞ୍ଚିବାର ଯଦି 30 ଦିନ ଭିତରେ ୱେୟାର ହାଉସ୍ ହେଉନି ବା
ବା ହୋମ୍ କନଜପ୍ସନ୍ ପାଇଁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉନି ବା ଟ୍ରାନ୍ସସିପ୍ଟ ହେଉନି ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ? ରିଜନେବୁଲ ଫର୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଆଜ୍ ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର୍ ମେ ଆଲାଉ ଅର୍ ଟାଇଟଲ୍ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟେଣ୍ଟ ରିଲିନକ୍ୱିଷ୍ଟ ସଚ୍ ପର୍ସନ୍ ମେ ଆଫ୍ଟର୍ ନୋଟିସ୍ ଟୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟର୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଦ୍ ଇନ୍ ପର୍ମିସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର୍ ବି ସୋଲ୍ଡ ବାଇ ପର୍ସନ୍ ହାଭିଂ ଦ କଷ୍ଟଡି ଦେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର୍ ବସି କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟର୍କୁ ପ୍ରପର୍ ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟର୍କୁ ନୋଟିସ୍ ସର୍ଭ କରିସାରିଲା ପରେ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ସେ ଗୁଡ୍ସକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆମେରିକା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ମନେ ପକାଅ, ଆମେରିକା କାଓ 10-30 ଗାଈ ଇମ୍ପୋର୍ଟର୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟା ଗାଈ ଦିନକୁ 3 ଥର କ୍ଷୀର ଦେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 10 ଲେଖା ଦେବ, ତ ଭାବିନି ଯଦି 30 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଗାଈଟାକୁ ସେଠୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେଉନି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେବ? ତ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ତ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇନଥିବ, ଗାଈର କେୟାର୍ ଟେକ୍ ହେଇନଥିବ, ସେ କେସ୍ରେ କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ପାଖରେ ପାୱାର୍ ଅଛି, କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରପର୍ ନୋଟିସ୍ ଦେଇକି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିପାରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆନିମଲ୍ କେସ୍ ହେଇଥିବ, ପେରିସେବୁଲ୍ ହେଇଥିବ, ହାଜାର୍ଡସ୍ ହେଇଥିବ, ମେ ୱିଥ୍ ପରମିଶନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର୍ ବି ସୋଲ୍ଡ ଆଟ୍ ଏନି ଟାଇମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କଷ୍ଟୋଡିଆନ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରପର୍ ଅଫିସର୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ ନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୁଡ୍ସ ବିକ୍ରି କରିଦେଇପାରିବ। ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ବିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ସନ୍ 46 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ଓକେ, ଫିଲର୍ ସେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ଼୍ କରିଦେବ, ଆପଣ ଏ ବେସିକ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।